विक्रम जी, संजय राउत कुछ कह रहे हैं। सगळे आता आत्मजे आहेत, मुख्यमंत्री आता वर्षा बंगल्यातून मातोश्रीवर राहण्यासाठी निघालेले आहेत। मोह माया सत्ता याचा आम्हाला अजिबात लोभ नाही। आम्ही लढणारे लोक आहोत, आम्ही लढत राहू आणि शेवटी सत्याचा विजय होईल अशा प्रकारची भूमिका आहे। दोन्ही पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी येऊन महाविकास आघाडीला आणि उद्धव ठाकरे यांच्या संदर्भात ज्या सद्भावना व्यक्त केल्या, मग शरद पवार साहेब असतील, नाना पटोले असतील, अशोकराव चव्हाण असतील, बाळासाहेब थोरात असतील, सकाळी कमलनाथजी होते, आम्ही त्यांचे आभारी आहोत। राऊत साहेब, मुख्यमंत्री जाण्यामागचं कारण काय आहे? असं आहे की काही लोकांना वाटत असेल, त्यांनी त्यांनी आपल्या निवेदनात सांगितलेलं आहे की ते मातोश्रीवरती का राहायला चाललेले आहे। हां, मातोश्री हे मूळ स्थान आहे शिवसेना प्रमुखांचं आणि शिवसेनेचं। नाही, ऐसी कोई बात नहीं हो गई है, मैं आपको बताता हूँ, आप गलत न्यूज चला रहे हो। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी है और रहेंगे। फ्लोर ऑफ द देखिए फ्लोर ऑफ द हाउस पर फ्लोर ऑफ द हाउस पर अगर मौका मिला तो हम बहुमत सिद्ध करके दिखाएंगे। पवार साहेबांनी असा कोणताही सल्ला दिला नाही, किंबहुना ही लढाई आपण शेवटपर्यंत लढायची अशा प्रकारचं भूमिका माननीय शरद पवार साहेबांनी घेतलेली आहे। संजय राऊत को आपने सुना, उद्धव ठाकरे सीएम थे, हैं और रहेंगे, और जरूरत पड़ी तो फिर फ्लोर ऑफ द हाउस में यानी कि विधानसभा के पटल पर हम बहुमत भी साबित करेंगे। लड़े हैं, लड़ेंगे, आगे भी लड़ते रहेंगे, मौका मिला तो बहुमत साबित करेंगे, जरूरत पड़ी तो बहुमत साबित करेंगे। और उद्धव ठाकरे जी ने कहा, जो कहा है उसका ये मतलब है कि वो उद्धव ठाकरे सीएम थे, हैं और रहेंगे, उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे। हालांकि उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अगर वो लोग चाहें, जो बागी लोग हैं, अगर वो लोग चाहें, अगर वो लोग चाहते हैं तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। मगर अब संजय राउत कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे उद्धव ठाकरे, और उन्होंने ये भी कहा था कि कोई और शिवसैनिक अगर चाहे तो, वो शिवसैनिक अगर कोई सीएम बनता है तो अच्छा होगा, मुझे खुशी होगी, ये कहा था उद्धव ठाकरे ने। लेकिन संजय राउत कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री हैं, थे, हैं और रहेंगे, जरूरत पड़ी तो बहुमत साबित करेंगे और मौका मिला तो बहुमत साबित करेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी, शिवसेना लड़ी, मतलब लड़ाकी है शिवसेना और लड़ेगी आगे भी, और बहुमत जरूरत पड़ी तो बहुमत साबित किया जाएगा। मगर नंबर्स कहां से आएंगे त्रिपाठी जी? नंबर्स तो गुवाहाटी में बैठे हैं। असली संकट यही है, नंबर गुवाहाटी में बैठे हैं, और असली संकट ये है कि ये सब कुछ विधानसभा के पटल पर होगा। और देखिए, उद्धव ठाकरे कहते हैं कि कोई बात नहीं, कोई शिवसैनिक बन जाए मुझे खुशी होगी, कोई इच्छा नहीं थी। अभी कोई बोल रहा था, वो जो शिवसेना के जो समर्थन में मित्र बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि 75% समाज सेवा, 25% राजनीति, जबकि होना चाहिए 100% राजनीति के जरिए समाज सेवा। अगर कोई पार्टी ये कहती है तो धोखा दे रही है, क्योंकि देखिए ना, कुर्सी के लिए कैसे परेशान है उद्धव ठाकरे और उनके इर्द गिर्द के लोग। और अगर वो नहीं भी परेशान है तो संजय राउत की भाषा बता रही है कि बिना कुर्सी के ये वाली शिवसेना एक क्षण जीवित नहीं रह सकती। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का प्राणवायु वो सिर्फ सत्ता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी है, जो शिवसैनिक अब देने को तैयार नहीं है। इसीलिए गुवाहाटी से आवाज आ रही है कि भैया बाला साहब वाला हिंदुत्व चलेगा। ये जिन लोगों ने हिंदुत्व को खत्म कर दिया, जो अपनी पार्टी दुरुस्त कर रहे हैं, शिवसेना बर्बाद कर रहे हैं, उनसे दूर हटो। लेकिन अभी भी शायद समझ में नहीं आ, जब ये ऑफर दिया गया कि बीजेपी के साथ, विक्रम जी थोड़ा सुनना सीखिए भाई, हरे के बीच में बोलते हैं आप, विक्रम जी थोड़ा सुनना सीखिए ना, हरे के बीच में बोलते हैं आप, मैं आपके पास आ रहा हूं, कोई आपके बीच में नहीं बोलता विक्रम जी, कोई आपके बीच में नहीं बोलता, आप हरे के बीच में बोलते हैं। रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप, सत सम्मान आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज। हर्षवर्धन त्रिपाठी, मेरा सवाल ये है कि ऑफर तो था कि बीजेपी के साथ सरकार बना लो, तो बीजेपी के साथ सरकार का कोई मतलब, वो चाहे तो शिवसेना सरकार भी बचा सकती है और पार्टी भी, शिवसेना चाहे तो सरकार भी बचा सकती है, पार्टी भी, बीजेपी के साथ जाकर निश्चित तौर पर। और देखिए, अगर पार्टी बचेगी तो सरकार तो बची ही रहेगी, लेकिन यहां मुश्किल ये है कि उद्धव ठाकरे को उनकी सलाहकार मंडली ने समझा दिया है कि मुख्यमंत्री तो आपको बनना है। और सवाल ये कि जिस महाराष्ट्र में 106 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी है, वहां 54-55 विधायकों वाली शिवसेना को क्यों मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? क्या उसकी कोई भी एक वजह है?
अगर वो वजह कोई है तो वो ईमानदारी से बता दें, लेकिन वो कोई वजह नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वजह ये है कि दो पार्टियां, और जिनको बार बार मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र में वसूली का जो खेल चल रहा है, जो देश के सामने आया, सिर्फ उसकी सरकार चल रही है, ये कोई सरकार महाराष्ट्र में नहीं चल रही। ठीक है, अब विक्रम जी, अब आप बोलिए, जो सवाल उठाया त्रिपाठी जी ने, 106 सीटों वाली का सीएम होना चाहिए या 55 सीटों वाले का सीएम, ये जनादेश के साथ धोखा नहीं है क्या, जो अभी आप शुभ्रासा जी को कह रहे थे धोखा धोखा धोखा? अच्छा अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आज बीजेपी कितने दलों के साथ सरकार बना रखी है बीजेपी ने, उनके कोई सहयोगी दल नहीं है, बिहार में नहीं है, तो क्या सहयोगियों के साथ सरकार बनाना क्या मतलब गैरकानूनी है? दूसरा ये कह रहे वसूली सरकार, कौन सा वसूली कर दी जरा बताइए, जिन्होंने आरोप लगाए थे वही खुद उसके घेरे में आ गए, और आप और अभी तक कौन से आरोप सिद्ध हुए हैं जरा, ये वसूली 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 वसूली, ये रात दिन वसूली वसूली कहते रहते हैं, जरा बताएं सही वसूली का, एक सरकार के पैसे बरामद हुए हैं वो कुछ भी बताएं जरा, नवाब मलिक, देखिए आरोप लगाना एक अलग बात है, उसको सिद्ध करना अलग बात है। उनसे अनिल प्रभु जी, उनसे ईडी की पूछताछ चल रही है, अनिल प्रभु जी से ईडी की पूछताछ चल रही है। भाई मैं तो कहा पहले भी कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, अनिल देशमुख जी कहां है सबको पता है, पूर्व गृह मंत्री पुलिस कमिश्नर कहां है, कि कौन से स्टेट में ऐसा है तो बताएंगे? कोई आरोप सिद्ध हुआ, कोई आरोप सिद्ध हुआ क्या, कोई आरोप सिद्ध हुआ तो बता दो मुझे, नहीं तो ये वसूली वसूली कर रहे हैं ना, कोई आरोप सिद्ध हुआ हो तो बता दो, पुलिस कमिश्नर और नवाब मलिक, आओ ये जिसने आरोप लगाया वही भागा फिर रहा, ये सवाल मेरे नहीं है विक्रम जी, ये शिंदे जी ने जो चिट्ठी जारी करी है ना, शिंदे जी ने जो चिट्ठी जारी करी है उसमें उन्होंने लिखा है, नवाब मलिक का उसमें जिक्र है, अनिल देशमुख का उसमें जिक्र है, उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि हमारी इमेज डेंट हो रही है, हिंदुत्व से हमने समझौता तो किया और एक एक करके हमारी जो छवि है करप्शन को लेकर, उन्होंने ये एकनाथ शिंदे जी ने अपनी चिट्ठी में करप्शन का भी जिक्र किया, ये हर्षवर्धन त्रिपाठी अमन चोपड़ा ने नहीं, आपके नेता एकनाथ शिंदे, आपके नेता है ना एकनाथ शिंदे, वो सवाल उठा रहे हैं कि करप्शन हो रहा है, करप्शन मैं कह रहा हूं कोई साबित नहीं हुआ है। दूसरा हिंदुत्व की वो बात करते हैं तो हिंदू विरोधी कोई काम हुआ है तो बता दो आप, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे, कोई ये बैठे हैं ये बता दे जरा, हिंदू विरोधी कोई काम हुआ है तो बता दे, बताए तो सही, आरोप लगाना तो देखो आरोप तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन एक भी हिंदू विरोधी काम बता दे हनुमान जाएंगे, अरे भाई हनुमान चालीसा कोई आपके चैनल पे आके पढ़ेगा मंदिरों में धमकी दे करके कि भाई यहाँ पढ़ूंगा तो आप पढ़ने देंगे क्या अंदर आया, वो तो घर से भी निकली थी, पूरा महाराष्ट्र पढ़ रहा है, नवनीत जी तो घर से भी नहीं निकली थी, आप देश को पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है विक्रम जी, आप कहाँ डिबेट में आ रहे, हनुमान चालीसा अरे भाई घर से भी नहीं निकली थी, कोई मोदी जी के घर में जाके पढ़ेगा आप पढ़ने क्या, आप वो घर से भी नहीं निकली थी, किसी मुख्यमंत्री पता है आपको है? वो घर से भी नहीं निकली थी, उन पर देशद्रोह लगा दिया था हनुमान चालीसा पर, आवाज चली गई देखिए, अरे जब एक धमकी, जब उन्होंने धमकी दी एक मुख्यमंत्री को धमकी दी और उस धमकी के बदले में अगर पब्लिक भड़क जाती और माहौल खराब होता तो आप क्या यही चाह रहे थे क्या, आप यही चाह रहे थे क्या, ये बताओ।